Today we have Vijay Shankar Tiwari ji at World Hindu News Hindu Talk Show, Vishwa Hindu Samachar. Vijay Shankar Tiwari ji, it's a privilege to have you at World Hindu News Hindu Talk Show. Namaste. He is VHP official spokesperson and also chief editor of Bharatiya Dharohar. Thank you, Vijay Shankar Tiwari ji. My first question to you is, ये आपका जो हिंदू संगठन है भारत में और बाहर अंतर्राष्ट्रीय भी, उनको मेन स्ट्रीम भारत का जो मीडिया है और भारत के बाहर का जो मीडिया है वो प्रोएक्टिवली टारगेट करता है, जबकि ये हिंदू संगठन भारत की सिक्योरिटी के लिए, हिंदुओं के लिए इतना काम करते हैं, इतना समय देते हैं और इतना त्याग करते हैं, इस पर आपकी क्या ओपिनियन टिप्पणी है? देखो, देश में, किसी भी देश में, हर समाज में दो प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो सामाजिक कामों में, वहाँ के देश हित के कामों में सहयोगी रहते हैं और उस काम को बढ़ चढ़ करके करते हैं, बहुत आगे बढ़ कर कर करते हैं। लेकिन उसी समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको बढ़कर करने के लिए रोकते हैं। हो सकता है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो किसी ना किसी और शक्तियों के आश्रय में हों। हो सकता है कि वो ना चाहते हों कि इस देश में इस प्रकार का एक माहौल बने, ये उसके पीछे कारण हो सकता है। जो हिंदू समाज है, विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद का काम भारत में और भारत के बाहर भी लोग कर रहे हैं। उद्देश्य केवल एक ही है कि जो हिंदू समाज दुनिया भर में कहीं भी रहता है उसके हित में काम किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, उसको सबल बनाया जाए, उसको विकासवान बनाया जाए और उसको इस कार्य के लिए खड़ा करना चाहिए हिंदुओं को, कि ताकि वो आत्मरक्षा भी कर सके और आगे भी बढ़ सके और जो हिंदू मूल्य हैं उनको लेकर के जीवन जी सके। और वो जो हिंदू मूल्य हैं जो जीवन के, वो वास्तव में केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, वो केवल भारत के लिए नहीं है, वो दुनिया भर के लोग उसको अपना करके चल सकते हैं। तो भारत में एक 20-25 करोड़ लोगों का एक झुंड है, वो झुंड इस प्रकार की परिवेश पैदा करता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुत्व के मार्ग में बाधा बनता है। वो कोई भी हो सकता है और वो केवल भारत की बात नहीं है, वो विदेश में, वहाँ के समाज में भी ऐसे लोग होते हैं, वो भारत में भी हैं, लेकिन हिंदू समाज उन सब से निपटने में सक्षम है। और ये उसने एक बार नहीं, आप गत हजारों वर्ष का इतिहास आप हिंदू समाज का देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो बहुत सहज है, वो हर सामने वाले को अपना जैसा समझता है, सहज है, सरल है, तो सामने वाले को सहज समझता है, सरल समझता है और ये सोचकर सामने वाला हिंदू समाज को चीट करता है। लेकिन जब उसको ये समझ में आ जाता है कि हमें ये चीट कर रहा है तो वो संभल भी जाता है और वो प्रत्युत्तर भी देता है। धन्यवाद विजय शंकर जी। आपसे अगला सवाल है जिसमें कि जो हिंदू नहीं है वो हिंदू धर्म में वापस आना आ रहे हैं और इस पे सरकार को विश्व हिंदू परिषद और बाकी हिंदू संगठनों से एक एंटी कन्वर्जन लॉ के लिए भी हिंदू संगठन जो हैं वो चाहते हैं भारत में एक शक्तिशाली लॉ बने जिसके अंतर्गत बाहर के पैसों से धर्म देश में धर्मांतर नहीं हो। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पहले 2013 में भी बोला था कि फॉरेन फंड से जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो, ये सैकड़ों और एक तरीके से कह सकते हैं सैकड़ों वर्ष पहले ये काम प्रारंभ हुआ। पहले मुस्लिम शासक भारत में आए और मुस्लिम शासकों ने भारत में केन केन प्रकारेण अपनी संख्या बढ़ाना, ताकि राजनीतिक दृष्टि से तत्काल परिस्थितियों में उस समय वो सबल बने और लंबे समय तक अपना राज्य कायम रखे। इसलिए भारत में वो हिंदू समाज को टारगेट करके, क्योंकि भारत में तो हिंदू समाज ही रहता रहा है, तो उसको टारगेट करके उसका संप्रदाय बदलना, उसकी पूजा पद्धति बदलना, उसकी राष्ट्रीयता बदलना, राष्ट्र के प्रति उसके मन में जो प्रेम है उसको समाप्त करना, अपने जो इष्ट देव हैं, जहाँ उसकी मान्यता है, जिसकी वो पूजा करता है, उसके मन में से उसके प्रति एक घृणा का भाव पैदा करना, ये भाव गत
सैकड़ों वर्षों से भारत में चल रहा है। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो इस्लाम के लोग हैं, दूसरा ईसाई के लोग हैं। राइट। इस्लाम के विषय में दुनिया भर के लोग जानते हैं कि वो एन प्रकारेण डर दिखा करके, और जहाँ पर वो बड़ी मात्रा में हो जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो एक दबाव बनाते हैं कि हिंदू समाज बदले। अगर उनका शासन होता है तो उसका एक पूरा इतिहास आप पढ़ सकते हैं कि वो अपने शासन के बल पर, अपने सैनिकों के बल पर, अपने समाज के बल पर, अपनी जनसंख्या के बल पर हिंदू समाज को परिवर्तित करते रहे हैं। और भय से, लालच से उन्होंने भी हिंदू समाज को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया है। आज हथकंडे और बढ़ गए हैं, लौ जिहाद और बहुत सारे हथकंडे आजकल बढ़ गए हैं। दूसरा समाज ईसाई समाज है, उसने भी भारत में हिंदुओं को ईसाईयत में बदलने का एक बड़ा षड्यंत्र पूरे भारत में उन्होंने प्रारंभ किया है। और ख़ास तौर से उन्होंने समृद्ध एरिया को अपना क्षेत्र नहीं बनाया है, उन्होंने यहाँ का जो दलित समाज है और मतलब वर्ग, ऐसा है कि किसी भी समाज में समय समय पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं, कुछ ऐसे नियम बन जाते हैं सामाजिक, जिसके कारण एक विद्रोह आपस में भी कई बार मन के अंदर रहता है। उसको वो विद्रूप स्वरूप देकर, गलत स्वरूप देकर, जो भारत की आत्मा में नहीं है वो, उसको स्वरूप देकर उकसा करके, किस तरह से उसके मन में घृणा पैदा करके वो ईसाई समाज में जाने के लिए हिंदू समाज को उकसाते हैं। और वो जो हमारा वनवासी क्षेत्र है, एक तरीके से आदिवासी क्षेत्र जिसका नाम दिया, हम उसको आदिवासी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब आदिवासी का मतलब है कि फिर बाद में कौन आया, पहले कौन आया, जब भारत में ऐसा नहीं। जो वन में क्षेत्र हमारे लोग रहते हैं, आर्थिक रूप से विपन्न हैं, और स्वाभाविक रूप से उनको आर्थिक सहायता इस कॉज पर देना, उनको शिक्षा इस कॉज पर देना, उनकी सेवा इस कॉज पर देना करना कि वो ईसाई बन सकें, ये पूरा षड्यंत्र पूरे वनवासी क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, दलित क्षेत्रों में ये ईसाई कर रहे हैं। और हिंदू समाज और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन हैं जी, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो समाज है, किसी कारणवश भी उसके मन में कोई विभ्रांति आई है, आर्थिक संपन्नता नहीं है, तो आर्थिक संपन्नता क्यों नहीं है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है, क्योंकि उनके पास काम नहीं है। तो हमारे संगठन सुदूर जा करके, वनवासी क्षेत्रों में जा करके उनके शिक्षा का जो भाव है, जिसके कारण उनको बदला जा रहा है, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनको स्किल देने का काम कर रहे हैं, उनको उनके जो उपार्जन के क्षेत्र हैं वो विकसित हों, इसलिए काम कर रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि पिछले वर्ष 10,000 करोड़ रुपए भारत में ईसाइयों के माध्यम से भारत में चैरिटी के लिए आया। आप संकल्पना कर सकते हैं कौन सी वो चैरिटी करते हैं, जिस चैरिटी के माध्यम से वो हिंदू समाज को ईसाइयों में बदलने का एक बड़ा काम कर रहे हैं। उनका भी ये जो चिंतन है वो शुद्ध रूप से राजनीतिक है, और मुझे लगता है वो सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिंदू समाज धीरे धीरे जाग रहा है, वनवासी भी जाग रहा है, वहाँ भी शिक्षा जा रही है। बहुत धन्यवाद विजय शंकर जी इस पूरे इंफॉर्मेशन के लिए। अब जैसे हमारे आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने बोला है कि ये फेवरेबल टाइम है हिंदूज को रीऑर्गेनाइज करने का, इस पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का क्या स्ट्रेटेजी है अपने आप को शक्तिशाली और एक प्रभावशाली संगठन भारत में बनाने का? देखो, पूजनीय सरसंघ चालक जी के कोई भी शब्द हमारे लिए ध्येय वाक्य रहते हैं, और वो कभी भी अनसाइंटिफिक नहीं बोलते, कभी अप्रमाणिक नहीं बोलते, वो जो कुछ भी बोलते हैं वो हमारे लिए, हमने बताया, वो प्रेरणा स्रोत रहता है, वो हमारे लिए ध्येय वाक्य होता है। और एक तो आप मानते ही हैं, यथा राजा तथा प्रजा, जब राजा निश्चर हो, जब राजा कुमार्गी हो, जब राजा चोर हो, जब राजा सांप्रदायिकता को देश में बढ़ाने वाली हो, जब राजा अपने राजधर्म का ठीक ढंग से पालन न करने वाली हो, तो उस समय उस देश के सात्विक समाज को हमेशा सतर्क रहने पड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है। अब चूंकि शासन में एक शासन बदला है, तो देश के लोगों का एक भाव बदला है। जब राजा बदलता है तो देश के लोगों का भाव भी बदलता है। जब राजा सात्विक होता है तो देश के समाज का मन भी सात्विक बनने लगता है, और ऐसे समय में सात्विक काम,
जो सामाजिक काम है, सात्विक काम है, सापेक्ष काम है, देश को आगे ले जाने वाले काम है, उनके प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है, उनके लिए लोगों का सोचना बढ़ता है। और स्वाभाविक है, जब लोगों के मन में होता है तो जब आप काम करेंगे तो आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे लगता है पूजनीय सरसंघ चालक जी का यही सोच इस विषय में। अभी जैसे कि काफ़ी जैसे स्टेट्स हैं, पहले केरला था जहाँ पे काफ़ी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं से, हिंदू जो संघ के कार्यकर्ता थे उनका किलिंग हुआ। अभी भी आप देखते हैं कि कर्नाटका में कुछ किलिंग होता है या किलिंग कंटिन्यू है हिंदू एक्टिविस्ट का? अभी मोदी जी का भी सरकार है तो ऐसा अभी कंटिन्यू क्यों हो रहा है? और देश में हिंदू एक्टिविस्ट और हिंदू लीडर्स को सरकार का तरफ से या बाकी और एजेंसी से सिक्योरिटी में क्यों नहीं पूरा सपोर्ट मिल रहा है, उनका प्रोटेक्शन में, फिजिकल प्रोटेक्शन? जब हिंदू संगठन जो काम करते हैं वो कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि हमें सुरक्षा मिले सरकार से तो हम तभी काम करेंगे। उनके मन में तो सहज भाव रहता है कि मुझे सामाजिक काम करना है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, मेरे भाई बहन हैं, इनको इनका उत्कर्ष होना चाहिए। और जहाँ तक सेवा का काम हम लोग करते हैं तो सेवा के काम में आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे संगठन भेदभाव नहीं करते हैं। वर्षों से आप देख सकते हैं कोई भेदभाव नहीं करते हैं, वो किसी भी प्रदेश में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, किसी भी जाति का हो सेवा के मामले में कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो हम अभी आपने बताया कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जाता है, हिंदू संगठनों को टारगेट बनाया जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि शासन जो है, जिस प्रदेश का शासन हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा उस प्रदेश के हिंदुत्व विरोधी लोगों की ताकत अपने आप कमज़ोर रहती है। लेकिन जहाँ पर हिंदुओं के प्रति समर्पित मतलब सब सारे समाज के प्रति समर्पित, केवल हिंदुओं नहीं, जहाँ पर वो सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं, ऐसे शासक भी होते हैं, तो वहाँ भी किसी भी वर्ग को कोई टारगेट नहीं बनाता है। लेकिन जहाँ पर हिंदुओं की वृद्धि हो, हिंदुओं के स्वाभिमान में वृद्धि हो, हिंदुओं की ताकत बढ़े, हो सकता है कि ये भाव जिनके मन में नहीं रहता होगा, कम रहता होगा, वहाँ पर जो इस प्रकार की मनोवृत्ति के लोग हैं वो अपना सिर उठाते हैं और शासन को वहाँ पर ये निपटने में वो कमज़ोर साबित होता है, क्योंकि उसके मन में मजबूत संबल नहीं रहता ताकि हिंदू जो वहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं वो टारगेट न किए जाए। विजय शंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विश्व हिंदू समाचार में और हमारे वर्ल्ड वाइड दर्शकों को भारत के हिंदू स्टेटस के बारे में अपडेट करने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद।